नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम देख रहे हैं राग मारू बिहाग को। इस श्रृंखला का, कल्याण फैमिली का जो हमने सिलसिला शुरू किया था, इस श्रृंखला का ये आखिरी राग होगा। वैसे तो काफ़ी सारे राग हैं कल्याण में, राज कल्याण है, हेम कल्याण, खेम कल्याण है, जोड़ राग हैं जैसे शिव कल्याण है, हंस कल्याण है, उन सबको हम कभी बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो हमने शुरू किया था कल्याण रागांग के जो राग हैं, हमने शुरुआत की थी नंद से, नंद हो गया, गौड़सारंग हो गया, कामोद हो गया, हमीर हो गया, केदार हो गया, श्याम कल्याण हुआ और अब बारी है मारू बिहाग की। बहुत ही पॉपुलर राग है, बहुत मीठा है। जो हमने शुरू में गाना सुना फिल्म सेहरा का, सही मिलता है मारू बिहाग से, तुम तो प्यार हो। थोड़ा देखते हैं करीब से। बिल्कुल इसी से मिलता हुआ एक और गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ, पायल वाली देखना। दोनों ही गाने एकदम मारू बिहाग पर आधारित, तो चलिए देखते हैं मारू बिहाग का चलन। मारू बिहाग शुरू होता है निषाद से, निये सा ग रे रे सा, बहुत स्पेसिफिक जगह है ऋषभ की, निये सा ग रे रे सा, प्रोपोर्शन भी देखिए। ऋषभ काफी प्रोमिनेंट है, ऊपर जाते हैं, नि सा ग म म ग, पंचम की तरफ जाते हैं कल्याण के स्वभाव से।
ये बिल्कुल कल्याण का लगाव है। यहाँ तक पूर्वांग हो रहा है। जैसे हमने देखा था कल्याण रागांग के रागों में पूर्वांग सबके अलग हैं, उत्तरांग में कल्याण दिखते हैं। यहाँ पे आगे जा रहे हैं बिल्कुल कल्याण की तरह। गामा पद प, ये भी हो रहा है कल्याण की तरह। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता अब इस पूरे लैंडस्केप में एक एकदम से चौंका देने वाली घटना घटती है, वो है शुद्ध मध्यम का लगाव। हमेशा ऐसे ही लगेगा। दोनों मध्यम का प्रयोग हो रहा है, शुद्ध और तीव्र भी, लेकिन तीव्र मध्यम बहुत प्रबल है। शुद्ध मध्यम केवल ऐसे ही लगेगा, इसी प्रकार से, और कम बार लगेगा, कभी कभी लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। तानों में भी शुद्ध मध्यम ज्यादा नहीं दिखाई देगा, हो तो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। चलते हैं, पूरा रूप देखते हैं, धुन स्वरूप इसका पूरी रेंज में।
सुनते हैं एक बंदिश, तीन ताल मध्य लय की निबद्ध है। ये रहा बहुत ही सुंदर मारो बिहाग। अब हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना सिलसिला कल्याण फैमिली के साथ। मेरे ख्याल से आगे बिहाग की तरफ चलते हैं। मारू बिहाग और बिहाग, नाम में भी समानता है, चलन में भी समानता है, काफ़ी समान है, बहुत ज़्यादा भिन्न भी है। देखते हैं कैसे होता है। अगले हफ्ते देखेंगे राग बिहाग।